एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और हरियाणा के पटवारी धरना प्रदर्शन करने को आखिर क्यों बेबस हैं, यह हम अब आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हो एनसीआर सोनीपत हरियाणा से, अब आपके सामने यहां पटवारी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो यह तस्वीरें अब आपके सामने। एक बार हम पटवारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मैं सन्नी दैया, जिला प्रधान सोनीपत। हम यहाँ पर अपनी जो तीन मुख्य मांगे हैं उनको मनवाने के लिए 3 दिन का जो हमारा सांकेतिक धरना था उसको आगे बढ़ाते हुए 3 दिन का हमने और बढ़ाया है। हमारा यह सांकेतिक धरना 8, 9 और 10 तारीख को तक चलेगा। इस दौरान भी अगर सरकार हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन पर कोई विचार नहीं करती है तो इसको हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा पूरा हरियाणा उस पर साथ चलने के लिए तैयार है। मांगे क्या? 3 हमारी मुख्य मांगे जो पिछले साल भी हमने हड़ताल की थी उसी दौरान की है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। पहली मुख्य मांग हमारी है वेतन वृद्धि वाली। उस पिछले साल सरकार ने जब हमारी 10-12 दिन की हड़ताल हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी हड़ताल को खुलवाने के लिए उस समय हमसे वायदा किया था कि आपका वेतनमान बढ़ाया जाएगा। उस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको 1/1/2016 से लागू किया जाना था, वो साफ साफ उस नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ था। लेकिन उसके 1 महीने के बाद सरकार ने एक दोबारा से जो FCR के थ्रू एक नोटिस निकाला, एक चिट्ठी आई, तो उसमें सरकार ने शब्दों का हेर फेर करके हमारे जो वेतनमान को बढ़ोतरी थी उसको 1/1/2023 से लागू करने के लिए उसमें लिखा गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी वेतन विसंगतियां पहले से भी ज्यादा हो गई है। उसके लागू करने की वजह से 2016 से पहला जो भी पटवारी लगा उसको उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो 16 में लगे, 19 में लगे या 23 में लगे, उनकी सब की जो सैलरी अब बढ़ रही है वो एक समान कर दी गई है। तो उसमें सीनियर जूनियर वाला जो भी 7 साल की हमारी सर्विस थी वो भी खत्म हो गई है। दूसरा हमारी मुख्य मांग है जो कानूनगो को प्रमोशन के लिए नायब तहसीलदार बनने के लिए जो पेपर होते हैं वो साल में 2 बार होने चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल से वो परीक्षा आज तक नहीं ली गई है, जिससे हमारे बहुत सारे कानूनगो साथी तो रिटायर ही हो गए हैं, वो परीक्षा ही नहीं दे पाए। अगर वो परीक्षा देते तो नायब तहसीलदार बनते। अब और भी हमारे साथी हैं परीक्षा के लिए तैयार है लेकिन वो परीक्षा नहीं ली जा रही है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को कराया जाए। जिस तरह से यहाँ पटवारियों की यह हड़ताल जो है सोनीपत में चल रही है, क्योंकि हरियाणा भर के पटवारी अब अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बेबस हैं। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है जी और मैं पटवारी के बतौर पटवारी कार्यरत हूं। सर देखिए, हमने सरकार के साथ 3 मांगे रखी थी और हमारी तीनों की तीनों मांगे आज भी वैसी की वैसी ही लंबित हैं जैसी पिछले साल थी। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी किया लेकिन 2 महीने बाद उसमें भी कुछ इफ एंड बट लगा दिए गए। उसी वक्त हमारी भर्ती की डिमांड थी, जो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भैया आपको जल्दी आपकी ये मांग भी पूरी कर ली जाएगी। उस बात को भी आज 1 साल होने को है लेकिन आज तक हमारी कोई नई भर्ती नहीं की गई है। और उसी वक्त हमारे कुछ पटवार सर्कल और कानून को सर्कल बढ़ाने की बात हुई थी, उस ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो हमारे कानूनगो से जो हमारी प्रमोशन होती है नायब तहसीलदार की, उससे संबंधित जो हमारा एग्जाम होता है उसको 6 महीने में एक बार लेने का प्रावधान है। लेकिन वार्ता के लिए बुलवाया नहीं, अभी सरकार ने हमें वार्ता के लिए कभी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है जनाब की सरकार ने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया। धरना प्रदर्शन प्रदेश तक जी पूरे प्रदेश में अभी तक तो चालू है और सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के जिला मुख्यालय पर पटवारी और कानूनगो मिलकर धरने को चालू रखेंगे। मांग क्या रख रहे हो? क्या सर मांग क्या है? मांग तो सर यही है कि एक तो हमारी तनख्वाह 1/1/2016 से लागू की जाए, हमारी नई भर्ती की जाए और हमारे कानून को से नायब तहसीलदार के जो पेपर 3 साल से नहीं है वो जल्द से जल्द दिए जाए। जिस तरह से अभी आपने यहाँ पटवारियों को सुना कि उनकी मांगे हैं सरकार को पूर्ण करनी चाहिए, वरना पटवारियों ने इतना जरूर कहा है कि अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो वह इस धरना प्रदर्शन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। समाधान निकालने के लिए सरकार प्रशासन को वार्ता जरूर कर लेनी चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।